तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत 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 ही बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें कुछ नया ये है, मैं मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। इवनिंग का टाइम हो रहा है, देखो मेरे ऊपर। और गाइस, प्रेगनेंसी में हाल मेरा इस कदर बेहाल है ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती, बट मैं आपको शीशे में दिखा जरूर सकती हूँ। सो गाइस, अब मैं इस मोड पे आ गई हूँ ना, बैठ सकती ना उठ सकती, बहुत ही परेशानी हो रही है। फिर भी मैं हर शाम को 30 मिनट वॉक जरूर करती हूँ। एंड गाइस, वन मोर थिंग, आपको कमेंट करके जरूर बताना मेरा फेस हो रहा है थोड़ा सा चबी चबी, फिर बताना बेबी बॉय के सिम्टम्स है बेबी गर्ल के। आप लोग जो कमेंट करते हो ना, मुझे बड़ा मजा आता है भाई पढ़ के। व्यक्ति हमेशा मेरे से कहते हैं कि भैया एक जगह खड़ी होकर व्लॉगिंग मत करा कर, तो मैं अभी दिखाती हूँ वो कहाँ पे है। लाइट बंद करनी भी बहुत जरूरी है। गुरुजी, गाइस मैं सोना चाहता हूँ, जिंदगी में चैन और आराम सब लूट चुका है। ड्यूटी करो, घर पे आओ, मुझे ये नहीं सोने देती। इसीलिए तुमने आज व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी। आजकल हमारे व्लॉग 3-4 दिन में आ रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। ऑडियंस बहुत वेट करती है हमारे व्लॉग का। सॉरी गाइस, थोड़ा सा यार ड्यूटी की वजह से हो जाता है। चुम्मा दे दो हमारी ऑडियंस को। क्यों ना, हमारी ऑडियंस बहुत लॉयल है हमारे लिए। चुम्मे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई ना गाइस, मैं चुम्मा दे देती हूँ। शक्तियों मेरी तरह से व्लॉग की स्टार्टिंग, जैसे कि सोनम ने बता दिया, हम शाम से कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं छत के ऊपर, थोड़ा सा इसको वॉक करवा के आते हैं। चिड़ियाओं को देखे हुए भी तो काफी दिन हो गए। ये आदमी बहुत नेचर लवर है। पशु पक्षी जो भी है जिनका ध्यान रखना है, इनको बनता है। बहुत ही अच्छी बात भी है, उनका कटोरा भी साफ करके आते हैं, पानी भी भरते हैं। चीज मैंने सिखाई। देखो गाइस, पक्षी तो ऊपर है, पशु ये नीचे, गाय भैंस सब नीचे। तो चलते हैं गाइस ऊपर। तो आज की व्लॉगिंग तो मैं ही करने वाली हूँ शुरू में, तो मुझे भुगतो या फिर मुझे झेलो, कैसे भी करो, पर व्लॉग जरूर देखो पूरा। अपनी ऑडियंस से पूछ लेता हूँ यार, तो कमेंट करके बता देना कि बॉडी कैसी लग रही है। ऑडियंस से पूछने की क्या जरूरत है, मुझसे पूछो, मुझसे। स्पेशली लड़कियां कमेंट करके बताना, बड़ा अच्छा लगता है लड़कियां तारीफ करती है। लड़के तो ऑब्वियसली करते ही है, लेकिन लड़की जरूर कमेंट करके बताना कि बॉडी कैसी लग रही है। मेरे जाने से पहले मैं आपको मेरे पीछे रखा हुआ एक पिल्ला बता देती हूँ, कितना क्यूट है। मैंने इसके लिए कल ही है ना हेयरबैंड खरीदा था, देख कितना क्यूट है ये। इसके लिए एक लाइक जरूर कर देते। पपीज बहुत ज्यादा पसंद है, और ये ऐसे जो छोटे वाले पपी होते ना, पोम पोम। अरे भैया, तुम्हारे पास पोम पोम पपी होना तो प्लीज कॉमेंट में बता दो, मैं खरीदने आ जाऊंगी। इसी को सजाती सवारती रहती है अपनी। इन फ्यूचर में जरूर एक छोटा सा पॉम पॉम खरीद के जरूर लाऊंगी। वेट तो कर ले अपना। अरे नहीं ना, वो बहुत बोर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हर वीडियो में तू वेट दिखाया कर अपना, तो अपडेटेड रहे ताकि खरीद देते हैं हम। तो गाइस अभी वेट है 76.6। और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मेरा 64 है, अब लगा लो कितना बढ़िया। शक्ति कपूर वाला दाढ़ा देखो गाइस इसका। अच्छा हिला के तो दिखा दे एक बार। तो ये शूज पहन के ऊपर चल रही है अपनी। ये इसके बड़े फनी से जूते हैं, जो मैंने इसको बर्थडे पे गिफ्ट करे थे। आपने कभी ट्यूबलाइट वाला वो नहीं देखा? हाँ गाइस, ये ट्यूबलाइट खा जाती है। अभी तो प्रेगनेंसी है, वजह से नहीं खा रही। हमने कर्तव्य वाले देखे हैं ना, वो ट्यूबलाइट मुंह से चबा के खा जाते हैं। ये खा जाती थी पहले, अभी कह रही है बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इतनी देर में खा जाती है। एवरी इवनिंग ना वॉक करती हूँ 30 मिनट, इतना अच्छा लगता है। 5 बजे से 5:30 बजे मिनट ऊपर ना, 1 मिनट नीचे, वहाँ तक जाएगी, वापस इधर आएगी। सनसेट हो रहा है और कितना प्यारा लग रहा है, शाम का टाइम इतना प्यारा लगता है ना। 2 दिन हो गए ना मुझे ऊपर आए हुए। चिड़िया बेचारी उड़ उड़ के जा रही है आसमान में। तुमने तो ये बोला था नीचे की मुझे उजाले की जरूरत है, तो मैं गोरा लगूंगा, तुम तो अब भी काले लग रहे हो। थोड़ा इधर उधर से ले ला। अच्छा एंगल चेंज करो तो तुम गोरे लगोगे। ये पानी है, इसको चेंज करना चाहिए यार हमेशा। ऐसा बर्तन मिट्टी का रखा कर। पक्षी देखो आसमान में, दिखाओ सुनोगे कितने सारे पक्षी उड़ते हैं। फ्लैट में ना 2 जन ऐसे हैं, एक भाभी और एक शक्ति, जो इनको साफ करके भरते हैं पानी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल फ्रेश पानी मैंने भर दिया। और जो चिड़िया तुमसे नाराज होकर चली गई उनका क्या करें? मेरे से नाराज नहीं होती। सर्दियों में है ना 2 दिन तक चल जाता है, 3 दिन भी चल जाता है पानी, लेकिन गर्मियों में रोज चेंज करना पड़ता है क्योंकि गर्म हो जाता है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, तो मैं ऐसे सोच रही यार जल्दी जनवरी आ जाए, मिड जनवरी आ जाए और मैं थोड़ी सी राहत पालू। जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं ना, वैसे वैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल घड़ी होती जा रही है। और मैं वेट कर रही हूँ अपने छोटे से मुन्ने से, छोटे से बेबी का। कह रही थी मुझसे कि अगर मेरा बस चलता है ना, मेरे पास कोई ऐसी पावर होता, बच्चा आदमी पैदा कर सकता होता, तो कह रही मैं पक्का तेरे से बच्चा पैदा करवाती। मेरी लुक आपकी गाइस। जितना पेन से लड़कियां होके गुजरती है, सेम उसी पेन से लड़कों को भी फील होना चाहिए। इसका तो घूमना फिरना हो रहा है और अपने साथ साथ में मुझे भी घुमा रही है, मेरा भी कार्य हो जाएगा। क्या कर रही है तू? छोटे मोटे ऑर्डर वो प्लेस कर रही, पीठ पीछे से ये करती है, तो जरूरी है। तो गाइस सोनम के डेली लाइफ के छोटे मोटे खर्चों को कुछ हिसाब से बिनोमो से मैनेज कर लेता हूँ। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ बिनोमो कैसे यूज करना है। इस मेरे रियल अकाउंट में 35,000 रुपए, आप डिपॉजिट पे क्लिक करके डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एसेट्स को सिलेक्ट करना है, जो मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे क्लिक करके आप अलग अलग ग्राफ्स में ट्रेड कर सकते हैं, माउंटेन लाइन, कैंडल बार। इस ग्राफ को देखकर आपको प्रेडिक्ट करना होता है ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और मैं आप इन्वेस्ट कर दूंगा 14,000 रुपीज। अब पर ट्रेड कंप्लीट होने का वेट करूंगा।
तो गाइस यहाँ पे मैंने इनके लिए 25,000 रुपए। अगर आपको ट्रेड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे क्लिक करके इनका सपोर्ट का फंक्शन है, आपको चैट कॉन्टैक्ट एंड क्लाइंट एग्रीमेंट मिल जाता है। इनकी कस्टमर सर्विस 24/7 अवेलेबल है। तो गाइस अगर आप भी मेरे तरह ट्रेड करके अर्न करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है। अगर आप मेरे लिंक से नया एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको डेमो अकाउंट में $1,000 मिल जाएंगे, जहां से आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। और एक बार अगर आप ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं तो उसके बाद अपनी रियल मनी इन्वेस्ट करके भी ट्रेड कर सकते हैं। गाइस मैं बता दूं, फैमिली में शादी है जिस वजह से घर वालों को जाना पड़ रहा है। जाना तो मुझे भी था लेकिन सोनम प्रेग्नेंट है, इस वजह से भाई जा नहीं सकते। तो कोई नहीं, तुम एंजॉय करके आओ। आर्यन के चैनल पे अब गांव के व्लॉग्स आएंगे लगातार 4-5, तो हमें भी जाना था काफी टाइम। कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी के बाद ही जाना होगा। बिना नहाए धोए जाएगा, स्मार्ट लग रहा हूँ। बिना नहाए धोए ना तो नहीं बिना नहाए धोए लगता है, चिक शैम्पू से नहाया हूं। तो गाइस मम्मी ने बनाया सोनम के लिए अचार, नींबू मिर्ची का अचार, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। घर के अचार की ना मतलब कोई होड़ नहीं होती। सोनम का ध्यान रखना, मैं शादी में जा रही हूं। तो गाइस यहां पे मैंने ले लिया सोनम के लिए नारियल पानी, भाई बहुत जरूरी है। मम्मी लेकर आई थी गाँव से बाजरे का आटा, आपको पता है बाजरे का आटा ज्यादा चलता नहीं और घर वाले भी गाँव जाए। मम्मी बोल रही भाई 1-2 किलो आटा बचा हुआ है। हाँ, ऊपर 4th फ्लोर पे हमारा घर है और वहाँ से नीचे आने में ना दिक्कत नहीं होती, लेकिन नीचे से ऊपर जाने में बहुत दिक्कत होती। मम्मी ले आई बाजरे का आटा, रखा थोड़ा ही फंसा है। इसको देखो ये क्या बना हुआ भाई, तो क्यूट है ना। हाँ, बिल्ली बनी हुई है आज तू। हाँ। हम तेरे लिए पता है क्या लेकर आया, सोच रही हूँ मैं गाजर वाजर का हलवा लेकर। नहीं नहीं, इसके अंदर बाजरे का आटा लेकर आया, मम्मी ने दिया और अचार। हाँ। और ये आपका जूस। यूजुअली बहुत ही कम शर्ट पहनता हूँ और ये शर्ट भी है टी शर्ट वाले लुक में। एंड गाइस काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप शर्ट पहना करो, टी शर्ट पहनते हो हमेशा, आपके पास शर्ट नहीं। भाई शर्ट तो मेरे पास भरी पड़ी है, लेकिन क्या है ना मेरा शौक नहीं है यार शर्ट पहनने का, मुझे आदत ही नहीं है शर्ट पहनने। मेरे पीछे आपको एक बंदा नजर आ रहा होगा इतना तैयार वैयार होके। मैडम कौन सी शादी में जा रहे हो आप इतना तैयार वैयार होके? लग तो ऐसा ही रहा आप किसी शादी में जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं शादी में थोड़ी मैं जा रही हूँ। आजकल शादी के अलावा भी बहुत बड़े रीजन होते हैं। हॉस्पिटल जा रही है? नहीं हॉस्पिटल या वो तो साड़ी पहन के हॉस्पिटल कौन जाता है, तेरा कोई भरोसा नहीं है। ये बात भी ठीक है, आजकल मेरा हॉस्पिटल के इतने चक्कर लग रहे हैं। तो गाइस एक मतलब ये मेरे साथ टॉप पहन के बाहर गई, एक भैया पता है क्या बोलते हैं, भैया आपकी गर्लफ्रेंड अच्छी है। मैंने बोला भैया गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी बीवी है। कह रहा भैया जोड़ी अच्छी है, मैंने कहा ये प्रेग्नेंट भी है। कह रहे हैं, फिर मैंने उसे ये बता दिया कि भाई 8th मंथ रनिंग है, फिर उसकी डबल है निकल गई। आपको पता है भाई आजकल हम रील्स पे काफी एक्टिव है, जाके हमें भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, रॉयल शक्ति फिटनेस के नाम से, सोनम चिकू के नाम से, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे हम अच्छी अच्छी रील्स बनाने लगे हैं और काफी मेहनत करने लगे। इतने झुमके इतनी साड़ी पहनने का राज है मेरा सिर्फ रील्स, यू नो मैं बहुत एक्टिव हो गई हूँ आप लोगों के कहने पे। काफी लोग मेरे को पहले बोलते थे दीदी आप तो रील्स ही नहीं बनाते, बनाते क्यों नहीं हो, बड़ा सुना सुना लग रहा है इंस्टाग्राम। तो मैंने सोचा मैं एक्टिव हो ही जाती हूँ, साथ में मुझे भी एक्टिव करवा रही है तो मुझसे भी एक्टिंग करवा लेते, मैं भी अपनी एक दो रील्स डाल लेता। 8th मंथ रनिंग लड़की, आई मीन लेडी, मतलब जो भी बोल लो, मैं लड़की से लेडी कब बनी, आखिर में लड़की से लेडी बनी गई। मेरा बचपन खो गया। अभी मेरा 8th मंथ रनिंग है, मतलब 8th मंथ रनिंग में इतनी एक्टिव कैसे हो सकती हूँ ना, ये भी मुझे भी नहीं पता कौन मुझे एक्टिव करवा रहा है, मेरा स्विच ऑन कर दिया है। वैसे जितनी मैं इतनी रेडी हो गई हूँ तो चले अपन शादी में खाना वाना खा के आ जाते हैं, बहुत शादी है। कोई पकड़ लेगा अपन को, भैया आप तो वही हो ना जिनका रॉयल शक्ति व्लॉग चैनल है। एंड व्यूअर्स से मैं पूछूंगी मेरी साड़ी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट सेक्शन किसके लिए होता है। लड़कियां बस यही पूछती है कि आपने कहां से लिए वो बता दिया करो। पुरानी पुरानी साड़ी है, मैं काफी साल पुरानी है तो मैं अभी इनको निकाल निकाल के मैं कुछ यूज में ले रही हूँ। मोस्टली अपनी शॉपिंग कहाँ से करते हो आपको पता है, जयपुर के लाल जी सांड से। ये शूज ये है ना मेरे लिए लेकर आई थी, फनी से शूज, सर्दियों में भाई बहुत गर्म रहते हैं, ये खुद पहन के पूरे घर के अंदर घूमती है। गाइस इसका नाम है मिंटू, इसका नाम शंटी। मिंटू एंड शंटी ये दोनों बहुत बातें करते हैं एक दूसरे। मिंटू चलना यार शादी में चलते हैं, ए मुझे नहीं जाना है, चलना यार शादी में चलते हैं ना, ए मुझे नहीं जाना, चलो यहाँ से निकलो। गाइस मैं आपको बता दूं इस लड़की को मैं पिछले आधे घंटे से बोल रहा हूँ इतनी रील्स बना ली, अब तो तैयार हो जा, अब तो खड़ी हो जा। ये लड़की ऐसी है एक जगह जम के बैठ गई, चलने का नाम ही नहीं लेती, चल खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, चल चल यार, ये साड़ी हो गई द्रौपदी की साड़ी हो गई, पल्लू मत खींचो डियर, बहुत महंगी साड़ी है मेरी। हाँ ठीक है और दिलाएंगे, चलो चलो खड़े हो, हमें किसी के सहारे की जरूरत है। मैं कहने वाली थी हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बट भाई बहुत जरूरत है। सोनम जा रहे हैं भाई बाहर और अभी आर्यन भी मिले, ड्यूटी का इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया है जिस वजह से भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कुछ भी करने। और जब रेगुलर ब्लॉगिंग करता हूँ तो आप लोगों में से कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, भाई ड्यूटी नहीं करते आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है, ड्यूटी कब जाते हो। अब रेगुलर ब्लॉग नहीं आते तो कोई ये नहीं पूछता कि भाई ड्यूटी कर रहे हो या नहीं कर रहे। इस दुनिया में हर तरीके के लोग है, लेकिन भाई ड्यूटी भी बराबर चल रही है, वो भी जरूरी है और यूट्यूब भी जरूरी है। तो चलिए गोभी दा फिल बन के, मेरी टी शर्ट पहनने का मूड है, अगर ठंड लगेगी तो यही पहनूंगी। नहा दोगे तो सुंदर लगते हो तुम, अच्छी नहीं लगती थोड़ी थोड़ी। सोनम ने आजकल मुझे खाना देना गाइस कम कर दिया, इसलिए मैं कमजोर हो गया। घर के कटोरी का पुलाव खा के आए आप ये झूठे, मुझे लगा मेरे लिए थोड़ा सा छोड़ेंगे। तो गाइस वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो गाइस आर्यन पालम और
तुम्हारा पुराना हो गया उसका नया है। तो गाइस आगे तो बोलो। और गाइस ये देखो गिल साहब हमारे दोस्त, कैसे हो? बढ़िया, पीना है? तो गाइस अभी आर्यन और मैं हमारा सप्लीमेंट लेकर आ गए, और देखो इसमें सारी चीजें हैं, फिश ऑयल, प्रोटीन, काफी सारी चीजें। इसको घर जाके दिखाइए गाइस। इन दो प्राणियों को मैं यहाँ गाड़ी में छोड़कर गया था, और ये वेट कर रहे थे हमारा इतनी देर से ही, कब हम आएंगे, सॉरी फॉर लेट। आर्यन इतना बड़ा तो खुद भी नहीं, इतना बड़ा तो ग्लास लेकर आया है, और इसको मुझसे बड़ा भी पिएगा। स्ट्रॉ ले ले संजू। ये हमने सबसे बड़ा इसके लिए इसलिए लिया है क्योंकि ये एक आदमी नहीं है, एक से ज्यादा है। हम तो सब आदमी है। नहीं, एक जन नहीं है, ये दो है। पौने दो है चल रहा है ना भाई। सोनम के लिए 70 वाला ग्लास, मेरे लिए 50 वाला, आर्यन के लिए 50 वाला, रोहित के लिए 30 वाला। भाई देखो साइज के हिसाब से मंगाया हमने। क्या मैडम, क्या खाओगे? फ्राइज। खाने पीने के लिए तो आती है बाहर मेरे साथ मैंने में। कुछ खाया ही नहीं अभी। इसमें बताओ भाई, अभी टाइम हो रहा है 10 बजे के आसपास, और रोहित का ही वेट कर रहे थे। आज रोहित के भतीजे का बर्थडे है भाई, क्या क्या लगा? पूरी मिक्स वेज की सब्जी और मटर पनीर की सब्जी और दही भल्ले और जूस। और सोनम ने है ना इसी के चक्कर में अभी तक खाना भी नहीं खाया। इस खाने के चक्कर में ना सोनम ने बिल्कुल भी घर में के अंदर कुछ भी नहीं बनाया, बाजरे का सिट्टा बना के बैठी है बस। मेरे को बोला था कुछ मत बनाना, और मैं इसके खाने के भरोसे बैठी रही, फिर मैं कुछ खा लेती तो ये खा नहीं पाती ना। ये था आज का छोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो पता है ना आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना रॉयल शक्ति फिटनेस के नाम से, सोनम चिकू के नाम से, क्योंकि वहां पे रेगुलर रील्स आ रही है। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।